हेलो दोस्तों, तो ICP अभी चल रहा है 4,653 रुपीज़ पे, मतलब 4,650 के आसपास चल रहा है ये। क्या आपको ये चीज़ कोई कॉइन कंसीडर करना चाहिए अपने वॉलेट में, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे क्या होगा इसका फ्यूचर प्राइस और क्या कितना रिटर्न आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे टीम है इसकी, इसके बारे में बात करेंगे। ICP कौन सा, कैसा एक यूनिक प्रोजेक्ट बन जाता है सारे कॉइन से हट के, कैसे ये है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो फुल आज जितने भी ICP के रिगार्डिंग आपको डाउट्स होने वाले हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, होप सो। तो इस वीडियो को फुल एंड तक वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि ICP कॉइन एक्चुअली में है, तो जो बेसिकली जो ICP इसी का नाम डिफिनिटी है, जिन्होंने रीब्रांड किया है द इंटरनेट प्रोटोकॉल, पहले था उसके बाद इन लोगों ने अपना नाम को रीब्रांड किया डिफिनिटी फाउंडेशन हो गया। तो जो डिफिनिटी है ये इसका जो एक्चुअली यूज़ केस है, ये लोग बिल्ड करना चाहते हैं पब्लिक इंटरनेट, मतलब डिसेंट्रलाइज वे में इंटरनेट को ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी जो इंटरनेट है आप देखोगे एक तरह से मोनोपोली है उसका, इंटरनेट का कोई कंपटीटर नहीं है और इंटरनेट का कोई मतलब मेनली जो मेजर जो सेक्टर के जाइंट्स हैं, मतलब बड़े बड़े जो कंपनी है टेक जाइंट्स हैं, वही लोग को रन करा रहे हैं। मतलब कल को गूगल आएगा, माइक्रोसॉफ्ट आएगा, बोलेगा कि हम अपने कंपनी को बंद कर रहे हैं, तो मतलब एक तरह से आप इंटरनेट बंद हो जाओ, क्योंकि मेनली चीज़ वही लोग ऑपरेट कर रहे हैं। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और ट्विटर वगैरह हो गया, जो भी मतलब मेनली जो टेक हैं, फेसबुक हो गया, फेसबुक अगर सारे मेनली सोशल मीडिया का जाइंट है वो बोलो तो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह जो भी है, तो एक ये सब कंपनी ऑन कर रहे हैं, मोनोपोली है इन लोग का इंटरनेट पे। तो ये सब चीज़ को पीछे ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए कोशिश कर रहा है ICP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनका मतलब इवेंटली इनका मतलब ऐसा कोई कॉइन नहीं है जो अपना आने वाला नेक्स्ट 20 ईयर का रोड मैप जाके दे दें, इन्होंने अपना लॉन्च कर दिया, ये रोड मैप भी मैं आपको दिखाऊंगा इनफैक्ट। तो ये लोग मेनली मोस्टली एक्टिव है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इन फ्यूचर आपको बहुत गंदा मतलब इंटरनेट को रिप्लेस करने का बात कर रहे हैं ये लोग, ऐसा इन लोग का विज़न है कि हम इंटरनेट को मतलब पब्लिकली कर देंगे, मतलब लोगों के कंट्रोल में होगा, ऐसा कोई मोनोपोली नहीं होगा कोई भी कंपनी का कि आपका मतलब डेटा जो होगा डिसेंट्रलाइज वे में मतलब सिक्योर होगा यहाँ पे और डिसेंट्रलाइज वे में ऑपरेटेड होगा सब चीज़। आप लोगों को एक सिंगल कंपनी ऑन नहीं करेगी डेटा, ये सब जो प्रॉब्लम आते हैं जो मेन चैनल में मेन इंटरनेट पे जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने का बात करता है ये कंपनी। अगर हम बात करें कि ये लोग का वर्किंग कैसा है, ठीक है, ये लोग क्या क्या इन लोग का अथी है, ठीक है, किसी से इकोसिस्टम इनके कौन कौन सा भी प्रोडक्ट रनिंग है, ठीक है। तो जो फ्लिक है इनका वो वेब होस्टिंग है, वेब होस्टिंग आपको पता है कि आप वेबसाइट होस्ट करते हो, ठीक, तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको होस्टिंग चाहिए होता है, होस्टिंग और होस्टिंग का कॉस्ट वगैरह सब चीज़ आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा लगता है होस्टिंग का कॉस्ट। इवन आप GoDaddy पे आप जाकर कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे हो या फिर कहीं और से होस्ट कर रहे हो, तो वो सब तो वेब होस्टिंग डिसेंट्रलाइजेशन ला रहे हैं, मतलब आप किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, ये चीज़ सारा चीज़ ऑपरेटेड होगा ICP के अंडर में होगा सब चीज़। तो मतलब इंटरनेट डेटा के ऊपर में ये लोग बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर, मतलब सारा चीज़ इनका है, मतलब ये डिसेंट्रलाइज रेडिट, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल के लिए बहुत सारा ओपन चैट, सोशल मीडिया प्लग, NFTs के अंदर है इनका आइडेंटिटी, इंटरनेट आइडेंटिटी, मतलब हर सेक्टर में मतलब ये लोग अपना वर्क कर रहे हैं। और हाँ, इनके पास इनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लोग बात करते हैं कि अपने इनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इथेरियम और बिटकॉइन से 1000x मतलब 1000 times इनके फास्टेस्ट हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि ICP का बहुत अच्छा खासा मेजर बना देता है, क्योंकि फास्ट होना ज़रूरी है अगर ये लोग सारे चीज़ में घुस रहे हैं, सारे सेक्टर में बात कर रहे हैं, इंटरनेट को रिप्लेस करने की बात है, तो यहाँ फास्ट होना इनको ज़रूरी है। सिक्योर है क्योंकि ये ब्लॉकचेन से बैक्ड है, आपको पता होगा ब्लॉकचेन सिक्योर है, कितना सिक्योर पावर्ड बाय ब्लॉकचेन आप पढ़ सकते हो। तो अगर आप इस पे डैप्स वगैरह बनाते हो तो आपको इजी वे पड़ जाता है सब चीज़। तो फ्यूचर इसका ब्राइट होगा ICP का, मुझे लगता है इसका प्राइस प्रेडिक्शन पे भी हम लोग आएंगे। और ये बंदा ICP का फाउंडर है बेसिकली, ठीक है। इसमें हमको एक प्रॉब्लम लगता है ना ये कॉइन में, ठीक है, ICP के देखो इंटरनेट प्रोडक्ट फर्स्ट स्केलेबल ब्लॉकचेन, ठीक है, फर्स्ट स्केलेबल मतलब अभी तो ये लोग जब लॉन्च किए हैं, ठीक है, 2020 में लॉन्च किए 2021 में, तो उस टाइम तक स्केलेबल के नाम पे 2-3 आ गए थे ऑलरेडी, वैसे मैटिक, पॉलीगॉन, ठीक है, और पोलकाडॉट वगैरह, ये सब स्केलेबिलिटी के वर्क कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो एक्चुअली में जो डेफिनेटी है, ठीक है, ये 2021 का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 2014-15 से इन लोग वर्क कर रहे हैं, तो मतलब स्टार्टिंग से ही लोग बहुत पहले से वर्क कर रहे हैं। ये लोग अपना टोकन अभी लॉन्च किए हैं, इनफैक्ट मतलब ये लोग का लॉन्चिंग जो हुआ वो बहुत भयानक तरीके से हुआ, मतलब नंबर 3 पे रैंक किया एक बैग ICP आया, तो मतलब ऑल टाइम अगर मैं दिखाऊँ ICP का ऑल टाइम आई कितना था तो आप देखोगे या 54,000 रुपीज़ ना, देखो 91% अभी डाउन पे है। तो अभी लोग इसको तब बात कर रहे थे ना ICP के बारे में जब ये अपना ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट था, जब बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी जब लो मिल रहा है, जब सही टाइम मिल रहा है, डॉलर के टर्म में आप देखो
737 मतलब $700 के आसपास, ठीक। मतलब अभी इतना लो प्राइस है, अभी कोई नहीं बात कर रहा है, कॉइन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लो प्राइस में मिल रहा है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग पक्का करो इसको, लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव पर अगर इस कॉइन में अगर नहीं देख रहे हो, ट्रेडिंग के लिए कॉइन नहीं है भाई, सिंपल सा लॉजिक मैं बता दूँ, क्योंकि इनके सारे सेक्टर में मतलब जो डैप्स हैं, एप्लीकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डैप्स, एंटरप्राइज, NFT वॉलेट, ऑथेंटिकेशन, एक्सप्लोरर, सारे चीज़ में मतलब एक पूरा आपको इकोसिस्टम है इसका खुद का। रोड मैप का बात करें, ठीक है, तो रोड मैप में अभी जो इनकी जो मेजर इवेंट्स हैं, ठीक है, मेजर इवेंट जो इंप्लीमेंट होने वाले हैं ICP के अंडर, ठीक, तो जिसमें से एक डेवलप्ड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, इतने प्रपोजल आ गए थे, डेवलप्ड हो गए हैं, ठीक है, ये था इंटरनेट आइडेंटिटी सपोर्ट को लेके, फिंगरप्रिंट सपोर्ट को लेके, ठीक। उसके बाद अभी इसके लिए वोटिंग चालू है, ये जो स्टोरेज वाले सेक्टर है जो इंक्रीज जो भी है स्टोरेज, तो इसमें ये लोग वोटिंग शुरू कर रहे हैं, वोटिंग चल रहा है इसका, ये भी आपको इंप्लीमेंट हो जाएगा बहुत जल्दी, ये सब इस फ्यूचर में आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद बिटकॉइन, बिटकॉइन से डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है भाई। अगर देखोगे तो भाई बिटकॉइन के साथ इंटीग्रेट करना मतलब कौन सा अभी तक कॉइन ऐसा आया है जो बिटकॉइन से डायरेक्ट इंटीग्रेट हो। हाँ, आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद इथेरियम ना, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल रियलिटी की बात करो तो ये बिग मैप, मतलब हर सेक्टर में ये लोग भयानक तरीके से ग्रोथ करने वाले हैं। अगर लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहे हो तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न ला कर देगा, क्योंकि मोनोपोली है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। मैं मानता हूँ कि भाई अगर कल को गूगल भाई रैंक, वेबसाइट रैंकिंग की बात करते हैं हम लोग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, आप पेड प्रमोशन करा रहे हो यूट्यूब पे, तो आपका यूट्यूब चैनल रैंक करेगा, सिंपल सा चीज़ है। तो मतलब ये सब का मोनोपोली है, आप नॉर्मल क्रिएटर्स कंटेंट का कंटेंट दब जाता है, हम जैसे क्रिएटर्स का कंटेंट दब जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों का जो लोग फेक बात करते हैं ना, जानते हो ना कि फेक न्यूज़ जो होते हैं बहुत स्पीडली स्प्रेड होते हैं, जेन्युइन कंटेंट दब जाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करना है कि ये कंटेंट जेन्युइन है या नहीं, आप लोगों को कोशिश करना इस वीडियो को शेयर करने के लिए अपने दोस्तों के पास। तो अपना टॉपिक पे आते हैं, ये सब आप यहाँ पे मैं दिखा दूँ शायद इसी आर्टिकल में था, ठीक है, मेन चीज़ इन लोगों का ये फोकस है, ठीक है, कि पब्लिक यूटिलिटी हो, पब्लिक का ये चीज़ हो। और इसके जो ड्रॉबैक है उसके बारे में बता दूँ कि जो ये कॉइन है, ठीक, ये कॉइन जो ICP है उसके जो होल्डर्स हैं, ठीक है, ICP के जो होल्डर्स हैं ना, वो मेनली जो पोर्शन है इनकी टीम, इनके फाउंडर्स और जो बड़े बड़े VCs है, कॉइनबेस वेंचर हो गया या फिर बाइनेंस लैब्स हो गया, ठीक है, ये जो VCs है, ठीक है, ये लोग होल्ड कर रहे हैं अच्छा खासा टोकन। तो ये कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर हो सकता है, क्योंकि मार्केट में इसके सर्कुलेटिंग कम है, इसके चलते इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा चीप रेट में मिल रहा है, ये लोग ये सब उस टाइम का बात है, ये सब जब क्या बोलोगे आप, जब कॉइन का प्राइस $600 पे था, अभी कॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा डंप हो चुका है, और शायद ये रीज़न हो गया क्योंकि वो जो VCs होंगे वो लोग सेल ऑफ कर रहे हैं कॉइन को। तो ये अच्छा फैक्टर भी हो सकता है कि वो लोग सेल ऑफ कर रहे हैं कॉइन को, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी मतलब मार्केट में लोग भी होल्ड कर पाएँ, पब्लिक लोग भी होल्ड कर पाएँ, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन तभी होगा जब पब्लिक के हाथ में भी गवर्नेंस का पावर होगा। तो उसके चलते ही प्राइस पे अगर वो सेल ऑफ किए हैं और वो उससे ज़्यादा प्राइस डंप किया है, तो बहुत अच्छा रीज़न है प्राइस डंप होने का, और आप लोगों को बाई करने का एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो वो चीज़ बाई कर लेना आप लोग। Wave 3 तो वगैरह आप जानते करते हो कि Wave 3 वगैरह नहीं है, तो आप मेनली आपको छोटा मोटा वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, उसको जाकर देख लेना। तो ये बेसिकली था इसका, ठीक, ये बेसिकली ICP का वर्किंग है। अब मैं इसका प्राइस का बात करूँ, ठीक है, डॉलर के टर्म में देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद रुपीज़ के टर्म में देख लेंगे। तो अपना ऑल टाइम हाई से 91% लेस पे है, मतलब इससे ज़्यादा आपको डिस्काउंट रेट चाहिए तो मतलब ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट करोगे यहाँ से था, तो अभी चल रहा है क्या बोलोगे, अभी 63 के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम हाई भी पहुँच जाएगा तो भाई आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, मतलब नियर अबाउट 5x रिटर्न आप देख लोगे, ठीक, ऑल टाइम हाई का मतलब सही है ये भी, और ये मैं चार्ट्स भी देख लो, ठीक है, चार्ट्स खैर इसमें मैटर नहीं करता, ये देखो साइडवेज में कितना, जैसे साइडवेज में चल रहा है और ये गिरा यहाँ से, ठीक है, साइडवेज में चल रहा है, तो ये एक्युमुलेशन जोन है, यहाँ पे एक्युमुलेट कर सकते हो। और रुपीज़ के टर्म में बात करते तो छोटा सा बस बता दे रहा हूँ मैं आपको, या सो मोर, ठीक, तो अभी 54,000 इसका ऑल टाइम है 91%, तो यहाँ से आप बाई कर लेना, ठीक है, 4,000 रुपीज़ मतलब एक दो कॉइन ले लो यार, ज़्यादा नहीं ले सकते हो तो। तो इसके जो VCs हैं, इसके भी VCs भी अच्छे खासे हैं, VCs में भी लोग पॉलीचेन कैपिटल है और एक सेंट्रो कैपिटल पोर्टफोलियो है, तो इनकी VCs भी अच्छे खासे हैं। और मार्केट का बात करें कहाँ पे मिल जाएगा ये अवेलेबल, तो लगभग सारे एक्सचेंज पे अवेलेबल है, मतलब बाइनेंस, सुबियो, ग्लोबल, कॉइन बेस, और इंडिया का बात करें तो इंडिया का वजीरेक्स पे भी अवेलेबल है, कॉइन लिस्ट प्रो पे अवेलेबल, आप देख सकते हो सारा चीज़। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।